Hello friends, this is Ravi Singh. Today I am with this new lesson Air Force XY English mock test. So let's get started. Guys, you are just looking on this screen. First questions from an adjective from the given word benefit. So आप यहाँ फोर ऑप्शन दिख रहा है, beneficial, the benefit, benefit and last benefited है. My friends, adjective of benefit and right answer will be A, beneficial. बिल्कुल beneficial होता है adjective benefit का. Okay, and second question, give the plural of given word, proof. यहाँ भी फोर ऑप्शन आपको दिख रहा है फिर से, और इसका प्लुरल फॉर्म बी राइट आंसर होगा, प्रूफ्स. इसमें एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं प्रूफ में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, डी नंबर. ओके, और ये थ्री ऑप्शन में बी आंसर राइट आंसर होगा आपका. एंड थर्ड आपको दिख रहा है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, पंचनद. पंचनद का सिनोनिम आपको बताना है, इसका मीनिंग लाइक होता है. ये हम लोग राइट आंसर ए करेंगे, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा. आप इसे राइट आंसर में टिक करेंगे ए. बिल्कुल ये पंचनद, पंचनद है. पंचनद का मीनिंग लाइक होता है, और ये सिनोनिम है. फर्स्ट में आपको दिख रहा है, आप इसे लॉक करेंगे. नंबर फोर आपको दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शन. यहाँ आपको फिलअप करना है, सी इज नॉट ओनली लेबोरियस, फिल इन द ब्लैंक्स नॉटी. यहाँ भी फोर ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए सिंस, बी एंड ऑल्सो, एंड राइट आंसर सी होगा, बट ऑल्सो. नंबर फाइव, आइडेंटिफाई द एंटीनम ऑफ गिवन वर्ड, एक्सपॉर्गेट. एक्सपॉर्गेट मीन्स संशोधन करना होता है, और यहाँ बी आंसर राइट आंसर होगा, बी एडमिट, स्वीकार करना. बिल्कुल. नंबर सिक्स, चूज द करेक्ट वर्ड. आपको यहाँ करेक्ट वर्ड चूज करना है. यहाँ फोर ऑप्शन आपको दिख रहा है, और आपका राइट आंसर बी होगा, बी ए डबल एल डबल ओ एन, बैलून. बैलून यहाँ पर राइट आंसर होगा. नंबर सेवन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल. आर्टिकल यहाँ चूज करना है आपको. फोर ऑप्शन दिया गया है, ही इज नाउ, फिल इन द ब्लैंक्स ओल्ड मैन. यहाँ करेक्ट आर्टिकल सबको चूज करना, राइट आंसर सी होगा, एन. ओके, नंबर एट, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब. आपको चूज करना है, आई फिल इन द ब्लैंक्स मेनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड. यानी इंग्लैंड से लौटने के पहले कई देश देखे हैं. यहाँ राइट आंसर हैड सीन होगा, सी. माय फ्रेंड्स, एक ट्रिक है, हैड का यूज बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में करेंगे, वहीं आफ्टर का यूज के बाद हैड का यूज करते हैं. माय फ्रेंड्स, नंबर नाइन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेज. टू लुक डाउन वंस नोज एट, टू लुक डाउन वंस नोज एट. यहाँ मीनिंग हम लोग देखेंगे उसका, राइट आंसर डी होगा. बिल्कुल, टू रिगार्ड विथ हाफ हिडन डिस्प्लेजर और कॉन्सेप्ट, ये राइट आंसर है, डी नंबर. माय फ्रेंड्स, नंबर टेन, चेंज द वॉइस. एयरफोर्स के एग्जाम्स एक एक क्वेश्चन वॉइस एंड नरेशन से डेफिनेटली आता है, तो यहां हम लोग फोकस करेंगे. देखते हैं यहां पे. बिल्कुल, आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम, सी ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल. यहाँ राइट आंसर डी होगा. आफ्टर बीइंग ड्राइवन टू द म्यूजियम, प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड एट हिज होटल. यह कंटिन्यूअस टेंस से क्वेश्चन है, इसलिए बीइंग से आंसर होगा, आफ्टर बीइंग. ओके, आफ्टर बीइंग ड्राइवन टू द म्यूजियम, प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड एट हिज होटल. बिल्कुल राइट आंसर डी होगा. बिल्कुल बिल्कुल, बीइंग यूज किए करेंगे हम लोग. नंबर 11 अब हम लोग कवर करते हैं.
बिल्कुल डी आंसर करने के बाद हम लोग 11 कंप्लीट करेंगे। नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी सडरेड फिल इन द ब्लैंक्स द ड्रेडफुल साइट। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए होगा, एट यहाँ पे आपको दिख रहा है एट, हम लोग एट फिलअप करेंगे। नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ नरेशन से क्वेश्चंस पूछा गया है। पिंकी सेड टू गौरव विल यू हेल्प मी इन एनी वर्क जस्ट नाउ। यानी पिंकी ने गौरव से कही कि क्या तुम मेरा काम में अभी मदद करोगे। यहाँ राइट आंसर ए होगा, पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन। इसमें जस्ट नाउ को चेंज करने के लिए जस्ट देन यूज किया गया है। बिल्कुल डेफिनेटली इसको हम लोग कवर किए। नंबर 13 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। यहाँ सुटेबल वर्ड्स आपको यूज करना है। द एडवोकेट आस्क्ड फिल इन द ब्लैंक्स देयर वर एनी विटनेस ऑफ द डिफेंडेंट पार्टी। यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, इफ। बिल्कुल। नंबर 14 आपको करना है आइडेंटिफाई द इनकॉरेक्ट पार्ट। इनकॉरेक्ट पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है। द ब्लाइंड्स और यहाँ डिजर्व आवर सिंपैथी, नो एरर। तो इसका राइट आंसर ए होगा, द ब्लाइंड होगा। यहाँ पे ब्लाइंड्स दिया गया है, इसका राइट आंसर द ब्लाइंड होगा, इसलिए इसे इनकॉरेक्ट पार्ट में ये ए हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 15, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यानी वैसे गवर्नमेंट जो हर एक क्लास के द्वारा चलाया जाता है, द गवर्नमेंट विच इज रन बाय ईच क्लास, प्लूटोक्रेसी। इसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी, इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे प्लूटोक्रेसी, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम लोग। द गवर्नमेंट विच इज रन बाई वन, ओके। नंबर 19 हम लोग देखेंगे, द क्रिमिनल्स मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन इवन थ्रू टू आर्म्ड पुलिस मैन वर फिल इन द ब्लैंक्स विगिल ओवर देम। यहाँ राइट आंसर डी होगा, कीपिंग। डी आंसर राइट होगा, कीपिंग। नंबर 17, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ वन वर्ड इज वेल वर्स्ड इन द साइंस। यहाँ आपको दिख रहा है एलिमेंट्स। बिल्कुल, और इसका राइट आंसर गायनोकोलॉजिस्ट होगा, नंबर सी, GYNECOLOGIST। ओके माय फ्रेंड्स, अब हम लोग नंबर 18 को कवर करेंगे। माय फ्रेंड्स, इस पैसेज को वेरी केयरफुली आपको रीड करना रहेगा, देन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पॉज करके आप देख लो। ओके, नंबर 18, व्हाई डिड हैदर सेंड अ पार्ट ऑफ सीज फ्रीजर टू ननराज। यहाँ राइट आंसर सी होगा, हैदर। हैदर वांटेड टू प्लीज ननराज। नंबर 19, फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर्स दैट हैदर। यहाँ राइट आंसर डी होगा, वाज एम्बिशियस एंड वैलियंट। यानी अकॉर्डिंग टू पैसेज से हमें पता चलता है कि हैदर एम्बिशियस और वैलियंट था। ओके, एंड नंबर 20, अकॉर्डिंग टू पैसेज हु ऑफन गिवन एन इनकरेजिंग हैंड टू हैदर। यहाँ राइट आंसर डी होगा, ननजाराज। ओके माई फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रैक्टिस सेट ऑफ इंग्लिश। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
and please write your score in the comment box. Thank you. Thanks for watching this video. I want to say something. Life is a journey, not a race. Let's enjoy the way. This journey is yours. Enjoy each and every step. Thank you. Thanks for watching this video.